कल मैंने अपने परिवार के साथ फिल्म RRR देखी। वैसे इस फिल्म को किसी के प्रचार की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सारे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और नए बना रही है, लेकिन देशभक्ति की भावना से भरी हुई ये फिल्म देश की संस्कृति, अस्मिता, गरिमा, एकता को बढ़ावा देती हुई, अच्छे आर्ट को, कल्चर को बढ़ावा देती हुई ये फिल्म जब भी कोई सच्चा भारतीय देखेगा तो वो यही चाहेगा कि इसकी प्रशंसा में दो शब्द कहे। तो जो ये सदर्न के दो हीरोज हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, भीम और राम, इनकी ये कहानी देख के हमें ये लगता है कि ऐसे ना जाने कितने अनसंग हीरोज रहे होंगे, लेकिन आज की दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी। जैसे कि इस फिल्म के जो राइटर हैं श्री के वी विजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने आज की सबसे सफल फिल्में हमारी इंडस्ट्री को दी है। 80 साल की उम्र में भी वो इंडिया के सबसे बिजी राइटर हैं और बाकी लिखते होंगे स्क्रिप्ट 6 महीने, 2 साल, 5 साल या 10 साल में, वो 15 दिन में ही लिख देते हैं। और उनको जब भी मिलते हैं तो ऐसा पूरा इंसान पैशन से भर जाता है। और मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में उनसे ज्यादा पद्म विभूषण या उससे भी बढ़कर कोई सम्मान होता है वो डिजर्व नहीं करता। और ये उनकी जरूरत नहीं है, ये हमारी जरूरत है, हम युवाओं की जरूरत है कि हमारे पास ऐसे आदर्श हो ताकि आगे चलकर इंडस्ट्री में ऐसे और लोग आए। बाकी इस फिल्म के हर कलाकार ने बहुत अच्छा काम किया है, NTR जी, रामचरण जी, बहुत बेहतरीन काम किया। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में तो क्या ही कहें, उनकी कोई तारीफ करना भी ऐसे होगा जैसे सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी। तो राजा मतलब के किंग, सो ऑल वी कैन से इज लॉन्ग लिव द किंग। थैंक यू फॉर RRR।